हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इसके भाई ने अपने और अपने भाई के शेयर्स बेचकर अपनी प्राइवेट कंपनी में लगा दिए थे, जिसके बाद होविन की कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी। लेकिन यांशा वो अपने पापा से बोलती है कि अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो इस कंपनी को बचाओ, जिससे कि होविन मेरे पास रह सके। ये इनकी कंपनी को बचा लेती है और इन सब के सामने बताती है कि वो मेरे पापा हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, फिर भी मैंने होविन की खुशी के लिए उन्हें मनाया एंड वो मान गए। सबको साफ दिखाई दे रहा था कि तांकिर से उसका बॉयफ्रेंड छीनने के लिए ये सब कुछ कर रही है। एंड साथ में इसने इनडायरेक्टली होविन की मॉम को भी पता लगवा दिया था कि अब मिस्टर चैन इनकी कंपनी के प्रेसिडेंट है, ना कि होविन। ये तांकिर के जाके सर होती है कि देखा, तुम्हारी एक गलती के वजह से आज हम कहां से कहां आ गए। इसे इस बात का इतना गम लगा था कि कंपनी इनके हाथों से निकल गई कि यहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं, जो कि होश में आने पे खाना भी नहीं खा रही थी। एंड ये होविन से कहती है कि उस तांकिर से ब्रेकअप कर लो, तभी मैं खाना खाऊंगी। एंड होविन भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा। ये सुनकर तांकिर काफ़ी सैड हो जाती है एंड कंफ्यूज भी कि वो मुझसे ब्रेकअप करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। बट तभी होविन इसे कहता है कि मैं तुमसे कैसे ब्रेकअप कर सकता हूँ, मैं अपनी मॉम को खाना खिलाने के लिए वो बोल रहा था, चाहे हमारी कंपनी में कैसी प्रॉब्लम आए हम दोनों उसे हैंडल कर लेंगे। इसके फ्रेंड्स इन दोनों की फ़ोटो को एडिट करके एक शादी वाले ड्रेस में भेजते हैं, जिसे कि होविन तांकिर के पास भेजता है। यांशा और इसकी मोम का ख्याल रखने के बहाने इनके घर में ही रहना स्टार्ट कर देती है। इसकी मोम को वैसे तो तांकिर का फेस देखना पसंद नहीं था, इसलिए जब ये सोई हुई होती हैं तो तांकिर इनकी आके केयर करती है। होविन को वो फाइल्स मिलती हैं जो सही थी, लेकिन अपनी एमनेशिया की बीमारी के चक्कर में आके इसने उस बिजनेसमैन के बातों पर यकीन करके बोल दिया था कि इसने तो वो चेक कर ली एंड सारा इल्ज़ाम लगा था तांकिर पर, जिसकी वजह से इनका बिजनेस का घाटा होता ही चला गया। इसे ये फील होता है कि आगे भी इसकी बीमारी के वजह से तांकिर को पता नहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये पोस्ट कर देता है कि मैं तांकिर से ब्रेकअप कर रहा हूँ। बेचारी तांकिर जो अपनी शादी के सपने देख रही थी, वो ये देखकर हैरान हो जाती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तांकिर इसके घर पर आती है इससे बात करने के लिए, लेकिन ये तो मिस्टर चैन के घर पर गया था। क्या आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा किया ना, आपको ही मेरी बीमारी के बारे में पता था इसलिए आपने ऐसा किया। तभी यांशा भी आके कहते हैं कि अच्छा, इन्होंने तुम्हारे साथ किया, ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एंड इसकी फ्रेंड बनने की दोबारा कोशिश करती है। ये भी इसे सारी बात बता देता है कि तांकिर को और दुख में देखना नहीं चाहता, इसलिए ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फाइनली होविन इसके पास आता तो है, लेकिन यांशा के साथ, एंड इसे कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है ना, तो अब तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो। तांकिर बेचारी होविन से बात करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसे तो इसके घर में भी एंट्री अब नहीं मिल रही थी। लेकिन तांकिर को ऐसे परेशान देख लोअक्षिन इसे ऊपर लेके आ जाता है एंड इससे पूछता है कि ये सब क्या है। तांकिर इसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है ब्रेकअप वाली बात, इसलिए तुमने पोस्ट कर दी, तुम प्रेशराइज होके ये सब पोस्ट किया है ना। लेकिन ये इसके मुंह पे ही से बोल देता है कि नहीं, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए बस, एंड मेरे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड सैड रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तांकिर को अब भी यकीन था एंड ये लोअक्षिन को बोल रही थी कि उसने मुझे शादी की ड्रेस में फ़ोटो भेजी थी ना, एंड शादी की ड्रेस में लड़की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसी ड्रेस में उसे प्रपोज करूँगी एंड वो मना नहीं करेगा। लोअक्षिन भी आके इसे समझाता है कि जब तो तुम बड़ा दिखा रहे थे कि तुम तांकिर को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे साथ भी लड़े थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि इसने तांकिर की खुशी को देखा था जब ये इस ड्रेस में आई थी। अब ये इसी ड्रेस को पहन के लाइव स्ट्रीमिंग करती है कि देखो होविन, मैं उस फोटो से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना जो तुमने मेरे पास भेजी थी। होविन भी ये सब देख के अपने आप को रोक नहीं पाता एंड यांशाओ को भी पता चल गया था कि ऐसा ही होगा, इसलिए ये होविन की मोम को जाके भड़का देती है। इन्हें समझाती है कि आपको अपनी कंपनी बचानी है ना, मेरे पापा हमारी कंपनी बचा सकते हैं, बट अगर होविन मुझसे शादी कर ले। होविन तांकिर के पास पहुंच ही गया था, लेकिन इसकी मॉम बीच में आ जाती हैं, जो होविन को कहती है कि ये कंपनी तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, क्या तुम इसे बचा नहीं सकते, प्लीज़ तांकिर को छोड़ दो एंड यांशाओ से सगाई कर लो। ये बेचारा फिर से बेबस हो जाता है,
जो आज अनाउंस कर देता है कि यान शाओ मेरी फियांसे हैं एंड तांकिर तुमसे मेरा अब कोई भी लेना देना नहीं है। तांकिर को तो इतने ज़्यादा शौक में बेहोश भी हो जाती है। इसका भाई इसे एक चाटा मार के कहता है कि तुम तो बड़े डरपोक निकले, पहले तो तुमने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा था। यान शाओ अपनी मॉम को समझाने के लिए आती है कि आपको अब ये काम छोड़ देना चाहिए, मैं बहुत पैसे कमाने लगी हूँ एंड मुझे हुआबिन के मॉम को आपसे मिलवाना भी है, अगर उन्हें पता चलेगा कि आप साफ सफाई करती हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन इसकी मॉम नहीं मानती एंड ये सारा ड्रामा बैठा हुआ देख रहा था। यान शाओ इसे कहती है कि हमें अपनी सगाई की रिंग भी तो देखनी है ना, चलो वहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे ये अपने दोनों की फोटोज क्लिक करा लेती है, जिससे कि देखकर तांकी को काफी ज्यादा हर्ट हो एंड होता भी है। अब ये कंपनी इसके पापा की थी तो ये भी यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है एंड आते ही तांकीर को जॉब से निकाल देती है। शाओ शाओ को एक कंप्यूटर जीनियस आज प्रपोज करता है, लेकिन शाओ शाओ इसे बोल देती है कि अगर हम अब रिलेशनशिप में आएंगे तो तांकीर एंड होबिल को कितना ज़्यादा बुरा फील होगा, इसलिए जब उनका पैचअप हो जाएगा तब हम रिलेशनशिप में आएंगे। होबिन का मूड हमेशा ही सैड रहता था, इसलिए यान शाओ इसे कहती है कि तुम्हें सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा फ्रेंड की तरह ही रहूँगी, तुम्हारे ऊपर मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और मैं तुम्हारी वाइफ बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी। ये सब कुछ हम अपनी फैमिलीज़ के लिए तो कर रहे हैं। ये अपनी शादी की ड्रेस लेने के लिए जा ही रहे थे कि होबिन को पता चलता है कि तांकी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तांकी की फ्रेंड्स इन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं, जिस पे ये कहता है कि ये सब क्या ड्रामा है, मुझे अपनी फियांसे के साथ अपनी शादी की ड्रेस वगैरह लेने के लिए जाना है, लेकिन तुम्हारी इन फ्रेंड्स ने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, अब तुम भी मुझे ऐसे धोखे देने लगी हो। ये इससे रिक्वेस्ट करती है कि जो कुछ भी कंपनी की प्रॉब्लम्स हैं हम एक साथ मिलकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब करना ज़रूरी है क्या, लेकिन ये फिर भी दरवाज़ा खुलवा के चला जाता है। तांकीर के पास इसकी दादी का फ़ोन आता है जो कि इसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आ रही थी। इसने अपनी दादी को ये नहीं बताया था कि इसका ब्रेकअप हो चुका है। इसकी फ्रेंड्स इसे बोलती है कि तुम्हें ना किसी और लड़के को अपनी दादी से मिलवा देना चाहिए, लेकिन ये अपना फ़ोन लेने के लिए वापस यहाँ पे आता है और इन्हें बोल देता है कि ठीक है, इसकी दादी के सामने मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। लॉक्शिन जब इन दोनों को एक साथ देखता है तो एक बार को तो इसे भी यकीन हो गया था जैसे दोनों मिल गए हैं। इसकी दादी लॉक्शिन सॉरी होबिन को कहती है कि तुम इसका साथ कभी भी मत छोड़ना, 4 साल पहले भी एक किसी इडियट से लड़के से इसे प्यार हुआ था एंड उसने इसे छोड़ दिया था, जिसके बाद उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, पर इन्हें नहीं पता था कि वो लड़का भी होबिन ही था। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल ही रहा था, सब अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन यान शाओ भी यहाँ पर टपक पड़ती है जो इसकी दादी को बता देती है कि होबिन ही तो वो है जिसके साथ 4 साल पहले भी इसका ब्रेकअप हुआ था। अब ये इसे गुस्से में अंदर रूम में लेके चली जाती हैं, जो कि इसे बस यही बताई जा रही थी कि पता है तांकीर का कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने अपना कॉलेज चेंज कर लिया था, साथ में देश भी छोड़ दिया था, इतनी सारी एक्सरसाइजेस की थी पतली होने के लिए एंड वो हमेशा ही सैड रहती थी एंड अब प्लीज़ तुम उसके साथ ऐसा दोबारा से मत कर देना। यहाँ से जाने के बाद ये यान शाओ की खबर लेता है कि तुमने उन्हें जानबूझकर क्यों बताया। ये कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो एंड वो तुम्हें अपनी पोती का बॉयफ्रेंड बना रही थी, तो ये कहता है कि जब मुझे एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो तुम क्यों बीच में आई। दादी को दिखाने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं एंड ये अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता, इसलिए इसे गले भी लगा लेता है, लेकिन ज़्यादा कुछ हो पाता इससे पहले यान शाओ इसे रात को यहाँ से लेकर चली जाती है, जो कि शराब के नशे में फ़ोन करके इसकी दादी को सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ लुआक्शीन इसे कहता है कि कहीं तुम अपनी मेमोरी के वजह से तो नहीं तांकीर से दूर हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तांकीर को बता देना चाहिए कि तुम्हें अमनेशिया है। होबिन भी यही सोच लेता है एंड तांकीर को मैसेज करता है कि मुझसे 12 बजे मिलना, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लेकिन इसकी दादी इसे लॉक करके होबिन की मॉम से लड़ने के लिए चली जाती हैं एंड देन इसे भी ज़बरदस्ती यहाँ से वापस लंदन ले जाने लगती हैं। दूसरी तरफ होबिन की मॉम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड ये इसे फिर से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती हैं कि अगर तुम उस तांकीर के पास गए ना तो मैं अभी कूद के अपनी जान दे दूंगी, इसलिए होबिन को फिर से अपनी मॉम की बात माननी पड़ जाती है। ये अपनी दादी से काफ़ी लड़ झगड़ के कहती है कि मुझे होबिन से मिलना है, बट इसकी दादी को खबर मिलती है कि वो तो सगाई करने जा रहा है। तांकीर को इस पे यकीन ही नहीं हो रहा था तो इसकी दादी इसे उसी जगह पर लेकर आ जाती हैं जहाँ पे होबिन यान शाओ के साथ सगाई कर रहा था।
तांकीर इसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले थे ना, तो मैं आ गई हूँ, तुम शायद पैचअप करना चाहते हो ना। लुआक्शिन भी इसे कहता है कि तुम इसे क्लियर क्यों नहीं कर देते, तो ये इसे बोल देता है कि मैंने कहा ना मेरी फियांसे यानशाओ है एंड मैं अपनी पूरी लाइफ इसे ही दूंगा एंड तुम्हारे साथ तो मेरा ब्रेकअप कब का हो गया। ये बोल के यानशाओ को गले भी लगा लेता है, जिस पे तांकीर को यहाँ से रोते हुए चली जाती है। लुआक्शिन इसे सलाह देता है कि तुम्हें अब होविन को भूलना होगा, मूव ऑन करना होगा एंड ये भी यानशाओ को पूरा इग्नोर करता है, बस अपने गेम्स में ही लगा रहता है जिससे इसे तांकीर की भी याद ना आए। यानशाओ भी काफ़ी शराब पीती है कि मेरा फियांसे मुझसे बात नहीं करता एंड मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। तांकीर होविन को बुलाने के लिए एक लड़के से फ्रेंडशिप कर लेती है, जिसके साथ ही एक लंबी ड्राइव पे यहाँ से बिना किसी को बताए चली जाती है। लुआक्शिन को जब पता चलता है कि ये मिसिंग है तो ये होविन को फ़ोन करता है जो गेम में बिजी था एंड इसकी फियांसे फ़ोन उठाती है। ये इसे कहता है कि उसके फ़ोन में तांकीर की लोकेशन होगी, मुझे जल्दी बताओ, लेकिन ये इसे नहीं बताती। कुछ देर बाद ही लुआक्शिन ये देख लेता है अपने आप ही कि तांकीर शहर से बहुत दूर कहीं पे जा रही है, लेकिन तांकीर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी इसलिए ये उस लड़के के साथ कहीं पे भी नहीं गई थी, मतलब इतनी दूर नहीं गई थी, रास्ते में ही रुक गई थी। लुआक्शिन इसे ढूंढ लेता है एंड इसे यहाँ से ले जाता है, जिसे रास्ते में होविन भी मिला था, लेकिन लुआक्शिन को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अपनी दादी को ऐसे रोते हुए देख ये सोचती है कि अब तो सुधरना ही पड़ेगा, इसलिए अब ये लुआक्शिन की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। लुआक्शिन की कंपनी का होविन की कंपनी से फेस टू फेस कॉम्पिटिशन होने वाला था, जिसके लिए इसे कहती है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, अब तुम कंपनी के CEO नहीं हो जो सब तुम्हारी बात मानेंगे। जिस पे एक गुस्से में बोल देता है कि फिर मुझे भी जॉब से निकाल दो ना, और तुमने तो कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड बन के रहोगी, तो अब मेरी वाइफ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये दोनों अब कुछ अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए कुछ वीडियोस बना रहे थे, जिन्हें की होविन को देखकर काफ़ी जेलस होती है एंड ये इसी जगह पर पहुँच जाता है। इन दोनों को ऐसे खुश देख कर ये सोचता है कि तांकीर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, लेकिन मेरा भाई रख सकता है। बाद में आके ये इसी डॉगी को अपने लिए रिजर्व करा लेता है जो कि तांकीर के पास था। यानशाओ आज पहली बार खाना बनाती है क्योंकि आज इसका बर्थडे था, इसने होविन के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी, बट पहलने वाला खाने से पहले ही इसे फ़ोन आता है कि वो डॉगी गुम हो गया है एंड ये इसका बर्थडे छोड़कर वहाँ पे चला जाता है। शानजी भी आज यानशाओ के लिए गिफ्ट लेके आया था जो कि इसे लाइक करने लगा था एंड होविन के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, जो इसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि उसने तांकीर को अपनी अमनेशिया की बीमारी की वजह से छोड़ दिया, तो क्या पता वो तुम्हें भी छोड़ दे। ये इसे अपने घर में से निकालना चाहती थी, बट खुद ही रोने लगती है कि आज मैंने उसके लिए खाना बनाया था बट वो छोड़ के चला गया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या। ये भी इसे कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, देखो मैं सारा खाना खा जाऊँगा, बट ये इसे ये बोलकर यहाँ से धक्के मार के निकाल देती है कि मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। वैसे यानशाओ के साथ यही होना चाहिए था, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा। थैंक यू।